हेलो। हेलो, सुमित जी बोल रहे चोरावाले से भाई? हाँ जी, सुमित नायक बोल रहा जी। जी, आपकी एक डाक आई थी यहाँ से, जन सूचना में, ये मच्छरों के बारे में। हाँ जी हाँ जी, ये बहुत ज्यादा मच्छर है जी गांव में। हाँ, मैं सीएम ऑफिस से बोल रहा हूँ, मिले इंस्पेक्टर। अच्छा, नमस्कार सर जी। नमस्कार। नहीं, यूँ कह रहा, तुम छिड़काव किस तरह करना चाहते हो अपने गांव में, बताइए मुझे। एक जी सर, तो मैं छिड़काव जी, मैं बताता हूँ। हाँ एक तो नालियों में हो जाए छिड़काव, नालियों में। हाँ और जो घर मकान है ना जी, घर मकान, अच्छा, हाँ, उनके जो कोने हैं गहरे गहरे, जहाँ मतलब मच्छर पाए जाते हैं, जैसे किसी के यहाँ शौचालय है, शौचालय का खड्डा है, उसमें मच्छर हैं, जोड़ जी है, नजदीक में कहीं पानी भर रहा है, तो इनमें अगर छिड़काव हो जाता है तो मच्छरों से हमें निजात मिल जाएगी। जी और बड़ी मेहरबानी होगी सर जी आपकी, अगर ये काम आप बहुत जल्द करा दे तो। जी नहीं, जो नालियों का छिड़काव है, सर, जी जो नालियों का छिड़काव वो तुम करा देंगे, सर, और जो जो तुम बता रहे ना कोनों वाला छिड़काव, जी, कौन उसके लिए तो फिर जो जेडीसी का टेस्ट है हमारे यहाँ की, बैठे जी? वो फिर मतलब जेडीसी 50% का टेस्ट है, वो अच्छा जी, अभी हो नहीं पाना है, वो ज्यादा महीन है, अच्छा जी, और उसमें प्रधान को सपोर्ट करना पड़ता है, हमें कुछ मजदूर चाहिएंगे हमें, क्योंकि हाँ तो प्रधान के खर्चे में, प्रधान के खर्चे में 1,000 रुपए हैं 8 साल के, इसी काम के। भाई गांव में मच्छर ना पैदा हो, छिड़काव कराया जाए, फोगिंग जी जी कराई जाए, दवाई जी दवाई प्रधान को हम देते हैं 8 साल। जी अब जी कुछ प्रधान ऐसे कुछ दवाई दिया हमें छिड़काव कराते हैं गाँव में, क्योंकि जी जी दवाई हर ब्लॉक में फ्री दवाई मिल रही प्रधानों को, छिड़े छिड़े में के लिए, जी जी 1 5 किलो का पैकेट है, 1 500 ग्राम का पैकेट है। अब पता जी नहीं जी तुम्हारे गांव वाले प्रधान जी ने कुछ करा नहीं करा, फिर देखा नहीं गाँव में। सर जी, यहाँ पे कोई छिड़काव नहीं कराया किसी भी तरह का ग्राम प्रधान ने। जी जी, वही तो कह रहा हूँ ना, प्रधान दवाई तो लिया उठा के, और करते हैं फिर उन्हें खेत वेत नहीं कर ले रहा यूज, ये चक्कर चल रहा है। चलो जी तो तो प्रधान से मैं मिलेंगे, इंस्पेक्टर साहब, आप आगे ग्राम प्रधान से मिल लो, आपकी बात थोड़ा ही काट देगा ग्राम प्रधान। नहीं, हम तो कल कल भी सोच रहे प्रोग्राम की, हम कल ही आए, क्योंकि लक्षण ड्यूटी चल रही है ना, जिसमें दिक्कत चल रही है, जी अरे सर जी, गाड़ी जी उसमें लगी हुई है हमारी, सर अरे जी, गाड़ी हमारी लक्षण जी जी ड्यूटी में लगी हुई है। हाँ, सर जी, जी तो देखते हैं, अगर कल को मौका लगता है तो हम तुम्हें फोन कर देंगे, तुम आप वहीं मिलेंगे हमें। ठीक है सर जी, आप आ जाओ कल को, मैं यहीं पे मिलूंगा आपको। और बड़ी मेहरबानी होगी सर जी, इसे जो है आप जो है गंभीरता से लियो सर। नहीं कह रहा, कोई तुम्हारी तरफ से कोई मजदूर उधर मिल जाएगा जो गाँव सपोर्ट कर देना छिड़काव छिड़काव के सर लिए, जी, मजदूर तो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन उन्हें मजदूरी देनी पड़ेगी। मजदूरी हमें देनी पड़ेगी। ग्राम प्रधान देगा या जैसे भी होगा, मजदूर तो मजदूरी लेगा ना। हाँ, मजदूर मजदूरी लेगा छिड़काव करने के लिए। भाई हाँ जी हाँ जी, नालियों में, जितने गांव की नालियों में जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, वहां मच्छर पल रहे होंगे, जी, बहुत उनके ज्यादा अंडे मच्छर है अंडे जी। जी अंडे होंगे वहां पर। जी अंडे हैं और बहुत बीमारियां भी फैल रहे हैं जी इन चीजों से, आपको तो सारी चीज का ज्ञान है। जी जी, वो जी तो हम छिड़काव करा दें, क्योंकि हमारे पास एक मजदूर है, जी जी ऊपर से सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है, एक दिन को सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है। जी अब गांव तुम्हारा काफी बड़ा है चोरा वाला, हम तो पहले गए थे उसमें, एक प्रांत भी गए थे उस टाइम, आपके गांव में काफी बुखार चल रहा था उस टाइम जब गए थे हम वहां पर। हाँ जी हाँ जी, गांव काफी बड़ा जी। हाँ, गांव काफी बड़ा है ना, तुम्हारा चक्कर ये है, अगर तो एक मजदूरी कर ले, वो हमारा मजदूरी कर लेते सारे मस्परे जी, भाई, साथ में एक माँ एक और मिल जाए, दो मिल जाए, तो उससे जल्दी करा कवर हो जाए, पूरा गांव को कवर कर दे, ताकि दिक्कत ना हो, कहीं ना बचे। जी, इस संबंध में आप आप ग्राम प्रधान जी से बात करो जी। सर जी ठीक ठीक, चलो चलो, है सर जी, हाँ, हाँ, चलो उनसे बात कर लेंगे। ठीक, और सर जी बस इसे जो है करवा ही दियो काम को, कभी जो है ठंडे बस्ते में डलवा दो। नहीं ठंडे नहीं बैठते भाई, मतलब बता दो ना, मैं लक्षणों में ड्यूटी लग रही ना, एक तो ट्रेनिंग चल रही लक्षणों की जी सर जी जी सबकी, जी और एक ऊपर से चक्कर ही हो रहा है, गाड़ी जो हमारे पास है वो सब उसमें जा रही, डीएम जी की जी जी आती जी प्लस ड्यूटी में लगी हुई है, ये जी जी अब तो आपके यहाँ आ जाते, दो दिन जी की डाक आ रही है आपकी। चलो जी चलो ठीक, हम देखते हैं फिर। ठीक है सर जी, धन्यवाद।